उसके बाद हाथ उठाकर आप अगर इसने समर्थन कर दिया तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जाएगा। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी अहमियत बहुत है। सुनिए, पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप अगर आपका आपकी हिमायत है तो फिर हाथ उठाइएगा। इधर चंद सालों से मुल्क के अक्सरों बेशर हिस्से में दुश्मनाने इस्लाम ने रिसालत-ए-बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई ना होने की वजह से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसलिए उन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जरूरी हो गया है कि मुल्के हिंदुस्तान में ताफुदे नामुसे रिसालत कानून बनाया जाए। इस पुरफदम दौर में भारत के अक्सर बेशर हिस्से में मुस्लिम अकलियत के अफराद को मूव लिंचिंग के जरिए और दीगर मंसूबों के तहत सख्त अजियतें पहुंचाते हुए शर पसंद अनासिरों का मुस्लिम अकलियत पर हमला इज्जत आबरू और जानो माल के दर पे हो गए हैं। इसलिए जरूरी है कि पूरे भारत में और भारत के पार्लियामेंट में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। मुल्क में अक्सरती फिरका के मजहबी जज्बात को भड़का कर दलित मुस्लिम और दीगर अकलियतों के खिलाफ मजहबी मुनाफरत पैदा की जा रही है। इसलिए जरूरी है कि जो लोग मुनाफरत पैदा करते हैं उसके सामने में इस्लाम का पैगाम और नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है मोहब्बत, इंसानियत का पैगाम पहुंचाया जाए। पूरे झारखंड में मुस्लिम अकलियत की तादाद मुलाजिमत और इक्तदार में बहुत कम है, लिहाजा इस माशरे को अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को मुलाजिमत में रोजगार में नौकरी में और हिस्सेदारी में और हिस्से और इक्तदार में हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ज़बाने उर्दू मुल्क की तारीख सकाफत तहजीब और तमद्दुन का एक मयार है। इसलिए जहां जहां भी उर्दू की के साथ नाइंसाफी हो रही है या उर्दू स्कूलों को हिंदी में मर्जर कर दिया गया है या उर्दू यूनिट की जगह हिंदी टीचर बहाल कर दिए गए हैं, इन तमाम मसलों को हल करते हुए उर्दू अकेडमी का कयाम अमल में लाया जाए। झारखंड में अकलियती कमीशन, सुन्नी वक्फ बोर्ड, मदरसा एजुकेशन बोर्ड और उर्दू एकेडमी और बुनकर समिति की तश्कील बहुत जल्द की जानी चाहिए। बरही हजारीबाग के हर एक इलाके में कम से कम हर एक ब्लॉक, हर प्रखंड या सब डिविजन स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अलग अलग अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल और अल्पसंख्यक बॉयज हॉस्टल कयाम का मुतालबा आज का इजलास ये करता है। और आज का इजलास तमाम मुसलमानों से अपील करता है, कौमी हम आहंगी भाईचारा आपसी समरसता को हमेशा कायम जिस तरह से आपने रखा है आप हमेशा भी आगे भी रखते रहेंगे। और अगर फरवरी के आखिर तक अल्पसंख्यक आयोग और सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं बना तो इसके बाद ये सारे एजेंडों पर जो झारखंड से रिलेटेड है इन सारे एजेंडों पर फरवरी के आखिर तक अगर अमल हुकूमत ने नहीं किया तो हम इसके खिलाफ में जोरदार आंदोलन चलाएंगे। बताइए उस पूरी तहरीक का पूरे करारदाद को आप पास करते हैं कि नहीं, समर्थन करते हैं कि नहीं, समर्थन करते हैं तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए बोलिए, नारे लगाइए। दो जुमला में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी बड़े छोटे औरत मर्द बच्चे बच्चियां आज के इस मुकद्दस इजलास में
हाजिर आए हैं, उलमाए किराम के मुकद्दस बयानात आप तमामी हजरात ने सुन लिया है। आप तमामी हजरात जो इलाके से चलकर यहाँ से झारखंड हमारे राजधानी से भी लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, इन तमाम बातों को लेकर आपकी हाजिरी को लेकर मैं अहले बरही तमाम नौजवानों के तरफ से, कमेटियों के तरफ से, आइम्मा हजरात के तरफ से, हमारे मेहमानों के तरफ से आप तमाम लोगों का आने का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और खास तौर पे हमारे आइम्मा हजरात आप जो दूर दराज से हमारे इदारे शरिया के ये मुहतमिम निशान उलमाए किराम को तशरीफ लाए हैं, तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इन तमाम लोगों के तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। अब दुआ के लिए है हुजूर मुफ्ती आजम हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने उलमाए किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम अपने जानिब से और हजरत मौलाना हाफिज कारी कलीमुद्दीन साहब और अली जनाब मोहतरम कारी अब्दुल कय्यूम साहब और मक्का मस्जिद, मदीना मस्जिद, जामा मस्जिद और जुमला मुसलमानों ने बधी की जानिब से हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब मुफ्ती साहब दुआ दुआ फरमा रहे हैं, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मोबाइल रखो हाथ उठाना पड़ेगा। बेदारी इदारे शरिया को कबूल फरमा ले। जुमला हाजरात व हाजरीन जो यहाँ तशरीफ फरमा है, मौला सब की हाजिरी को कबूल फरमा, सेहत सलामती के साथ सब की उम्रों में, रिश्ते में, रोजगार में, दस्तरखान में कुछ अतो बरकत अता फरमा। जुमला फातु बलिया सब सियासी जमिया मराद शहर हाजिरों के अतः दुश्मनों के सर जादू टोना सहती पूरा चरण हर बला मुसीबत या कर्तव हर वबा बीमारी से तक की हिफाजत मौला, मर्दों को गौसे पाक के गुलामों में, औरतों को कनीजों में कबूल फरमा, कयामत के दिन उनके गिरोह में उठा। इरफान ये दोनों बीमार हैं और उसके सिवाय इस मजलिस मुबारक में जितने लोग बीमार हैं या इनके अजा अकारी रिश्तेदार खानदान के वो जुमला अफराद जो बीमार है मौला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा और जो इंतकाल कर चुके उनकी मगफिरत फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वल वालिदैना वल उस्तादैना वल मशायखना वल जमीउल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। कोई अगर मुरीद होना चाहो चाहे तो पहले मरहबा मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद है, वो आप मुरीद हो सकते हैं। औरतें अगर होना चाहें तो थोड़ी देर के बाद मुफ्ती साहब के हाथ आके आप मुरीद हो सकते हैं। इससे एक बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मुफ्ती साहब के हाथ से मुरीद होना चाहते हैं, तो मैं आपको ऐलान करता हूँ कि आप मुरीद हो सकते हैं।